भगवान अब कुछ रहम कर दो इस कोरोना जैसी महामारी से। रोजाना अपनी आजीविका कमाने से घर का पालन पोषण करने वाले बाहरी लोग दुखी होकर अपने घर के लिए रवाना हुए हैं। इस महामारी ने लोगों के दुखों पर कहर जमा दिया है। इस बाबत में भवाना मन शिम्बल में सड़क पर पैदल चल रहे बाहरी लोगों से बात की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बाहरी लोगों का कहना था कि वे पालमपुर में कई सालों से रोजाना दिहाड़ी लगाने पर घर का पालन पोषण किया करते थे, परंतु कोरोना जैसी महामारी के चलते परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है। इस दौरान उन्होंने अपने घर मुरादाबाद जाने का पग उठाया है। हैरत इस बात की है कि 600 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर तय करना बाहरी लोगों के सिर पर पहाड़ खड़ा है। हालांकि पालमपुर प्रशासन द्वारा गरीब लोगों को रोजाना खाने की वस्तुओं देने का कार्य कर रहा है। गत दिन भी उन्होंने चौकी खलेट पालमपुर सहित जरूरतमंद लोगों को खाने की वस्तुएं दी हैं। क्या नाम है आपका? बलजीत। कितने लोग हैं आप? 15 लोग। कहाँ जा रहे हैं आप? यूपी जा रहे हैं। अभी कहाँ से आए? घुग्गर से। घुग्गर से? घुग्गर से। अभी कहाँ जा रहे? अभी यूपी जा रहे हैं। यूपी जा रहे हैं। घर। तो आप कैसे जाएंगे? ऐसे पैदल चलते जाएंगे। तो खाने पीने की व्यवस्था? कमरे में भी नहीं था, रास्ते में भी नहीं है। रास्ते में भी नहीं रहेगा। कमरे में भी खाने का नहीं था, रास्ते में भी नहीं रहेगा। आपने पालमपुर प्रशासन को बताया? नहीं नहीं, किसी से नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। हाँ। आपको पता है कि क्या ये कोरोना वायरस क्या है? ये एक जानलेवा हमला है। तो किस तरह का जानलेवा हमला ये? ये मतलब धीरे धीरे करके जान ले सकता है। मान लो एक दूसरे से टच होंगे या कहीं भीड़ भाड़ में जाए तो आप तो झुंड बना करके चले हुए हैं। तो क्या करे, खाने के लिए तो रूम में भी मर रहे हैं। वैसे भी कहाँ जा रहे? स्टेशन पकड़ना आया था। कौन सा स्टेशन? ये अम्बका स्टेशन पकड़ना है। अभी कहाँ से आए आप? पालमपुर से। अभी कहाँ जा रहे थे? स्टेशन जाना है ये अम्ब। हाँ अम्ब तो उन्ना हुआ जाना है। रामपुर जाना है, जिला बताना। हाँ, रामपुर जिला जाना है। रामपुर यूपी है। आप कहाँ रहते थे पहले? यूपी में। यूपी में? हाँ, जिला रामपुर। नहीं तो यूपी से आ रहे आप यहाँ पे? नहीं, नहीं नहीं, काम करते थे यहाँ पे, हिमाचल में ही काम करते थे। तो उन्होंने आपको भेज दिया? हाँ जी। किसने भेजा आपको? ये साहब, खाने को कुछ है नहीं हमारे पास। हाँ तो खाने को कुछ नहीं था, चलो चल रहा है। उज्जवल हिमाचल के लिए भवाना से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।